Now, next exercise start करेंगे 15.4 question number 1. A bulb is kept burning just right above the following solids. Name the shape of shadows obtained in each case. Attempt to give rough sketch of shadow. Ball. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम लाइट को ब्लॉक करेगा, ठीक है. जैसे अगर बॉल है, कौन सी शेप की है, स्फीयर, तो इसकी शेडो भी स्फीयर होगी. आप कभी जाते हो बाहर धूप में, आपने अपनी शेडो देखी है कि कैसी आती है शेडो, कि ज्यादा धूप पड़ती है तब कैसे आती है, कम है तो कैसे आती है. कभी आपने देखा है कि शेडो बहुत ज्यादा लंबी होती है और कभी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है. नाउ अब अगर बॉल की शेडो देखें तो इट विल बी स्फेरिकल इन शेप. ऐसी कुछ शेडो होगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर ये लाइंस है तो कुछ ऐसी शेडो होगी स्फेरिकल शेप में. नाउ सिलेंडर, सिलेंडर की अगर आप शेडो देखो तो एक थिन सा, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक रेक्टेंगल है थिन सा. और अगर बुक की देखोगे, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल इन शेप, जो इसकी शेडो होगी. अगेन इन सबको आप करके देख सकते हो. आप अपने घर में बल्ब के नीचे, बिल्कुल जहां पे भी बल्ब लगा है उसके नीचे एक बॉल को रख के देखिए, उसकी शेडो कैसी आती है. कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को रख के देखिए कैसी आती है, और बुक को रख के देखिए कि शेडो कैसी आती है. तो इससे आपका एक प्रैक्टिकली भी हो जाएगा और कंसेप्ट और क्लियर भी हो जाएगा कि शेडो कैसी आती है. क्लियर?